हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज़ वेल। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमने कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ सरप्राइज। मैंने फर्स्ट टाइम कोई प्लांट ऑर्डर किया है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितना सेफ आया है, क्योंकि बीच बीच में मुझे ऐसा रिव्यू मिला था कि कई बार प्लांट डेड आते हैं। लेट्स सी कि कितना बढ़िया आया होगा। पैकिंग तो बहुत अच्छी आई है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो अब हम इसे अनपैक करेंगे, ओपन करेंगे। ये काफ़ी बढ़िया पैकिंग है, बहुत सेफली पैक किया हुआ है। लेट्स सी, पैक होके आया है। इसे ऐसे खींच के निकालें या फिर नीचे से कट करें, ट्राई करते हैं। यस, कम बेबी। इसको हम धीरे धीरे, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने रैप अप किया है और सेफली आया है। वाह, निकल गया। हम साइड में रख देते हैं। इंडोर ऑरेंज प्लांट है जो हमने ऑर्डर किया था। देखते हैं कैसा आया है। तो काफी खूबसूरत लग रहा है। वाह, यस, ये तो बहुत हेल्दी प्लांट आया है। देखिए काफी अच्छे से रैप अप किया हुआ है, फुली लाइव है, कहीं से सूखा हुआ नहीं है। काफ़ी हेल्दी लग रहा है। इट्स नाइस, सेफली आ गया है और रैप भी बहुत अच्छे से किया है। बट हम इसे गमले में अब नहीं लगाएंगे, इसे हम थोड़ा सा रैप अप करके एटलीस्ट 1 वीक तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। आप कोई भी प्लांट कभी नर्सरी से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, उसे इमीडिएट आप ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि प्लांट भी जब कहते हैं ना, अपना एरिया छोड़ के आते हैं, अपनी लोकेशन छोड़ के आते हैं, तो उनको दूसरी लोकेशन में एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बेटर है, आप देखेंगे तो नर्सरी वाले के पास भी तो ऐसे ही रहते हैं ये प्लांट। इसे आप 1 वीक तक ऐसे ही इसकी केयर कीजिए। 1 वीक के बाद इसे आप पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा और बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत हेल्दी होगा। देखिए बहुत अच्छी रैपिंग थी। वाह, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। अब इसे हम थोड़ी सी धूप में रखेंगे और शाम को पानी देंगे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है इसकी। प्लांट तो काफ़ी अच्छा आया है। देखिए इसकी फ़ोटो जो है मैंने क्या मंगाया था वो हम आपको अपलोड करके दिखाएंगे। ये इंडोर ऑरेंज प्लांट है और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इसमें ऑरेंज कैसे लगेंगे। बट आई थिंक मुझे इसमें 1 या 2 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। मेरे साथ आप भी इंतज़ार कीजिएगा, जैसे इसमें फ्रूटिंग होगी हम वो भी दिखाएंगे आपको। थैंक यू। और इसके साथ मुझे एक और चीज़ मिली है, रनर स्ट्रॉबेरी सीड्स। ये सीड्स हैं, इसे भी हम देखेंगे। हम इसे स्ट्रॉबेरी सीड्स हैं, ये भी देखते हैं कैसे आए हैं। इसकी प्लांटिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो इसके अंदर है पैकिंग, ये इस तरह से पैक होके आया द सीड्स। बट इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसकी आपको प्लांटिंग करेंगे, हम इसको सीड्स को लगाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। इसमें पीछे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, हम वो भी थोड़ा फॉलो कर लेंगे और देखेंगे और लगाएंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। Stay home, stay safe, stay happy. Thank you so much. Bye bye. See you. Say bye. Bye. Thank you so much. Bye friends. This is my son, Prince. Hello. ये ही हमारे फोटोग्राफर है, यही हमारे एडिटर है। Love you, beta. Thank you, friends. Thank you so much.